अब आते कि बोल सही हदीस में है, सही हदीस एक अच्छी बात है, सुनाओ सुने मगर अमल नहीं करना, अपना मसला जरा उल्टा है। लोग अमल करो बोल के सुनाते, मैं अमल नहीं करने की बात सुना रहा हूँ। देखो एक बात सुना, मेरा आज मोहल्ले में एक नौजवान था, वो नौजवान क्या करा, ईद के दिन में ईद की नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ, उन्हें जो है बेगम को बिठा लेके सुबह सुबह निकल गया। अरे मैं बोला ये क्या किस्सा है, मियाँ ईद के दिन कहाँ लेके जा रहा, मुसीबत रही तो घर से औरतों को लेके निकलते, हॉस्पिटल जा रहा या किसी का इंतकाल हो गया तो ले लेके जा रहा, ईद के दिन बोले तो बात, वरना ईद के दिन तो औरतें घरों में काम करने का रहता, जाके आप ईदगाह को नमाज पढ़ के आता है, पका के करके तैयार रखना है, फातिहा पढ़ के खाना खाना है, नहीं अभी नहीं वो पकाना करना, शुरखुरमा और खुरमा सब भूल गया, वो काजू चिरौंजी तलना, वो बिरयानी उरियानी सब लाइट ले लिया, बेगम को बिठा लेके निकला, मैं हॉर्न मार के रुका, ठहर नहीं पूछेंगे कौन मर गए, किसका इंतकाल हो गया, किसको बीमारी लग गई, पूछेंगे बल्कि रुकाया, बोल कहाँ जा रहा है मियां, बोले वो ईद की नमाज पढ़ने जा रहा। हाँ मैं बोला ये कौन सी नमाज है भाई, बेगम को लेके जा रहा, कोई नया नबी तो नहीं आया तेरे वास्ते, हमारे नबी तो ईद की नमाज को औरतों को लेके जाओ बल्कि कहीं भी नहीं फरमाए। बेशक बेशक खुदा की कसम हमारे मजहब में 1400 साल से औरत कभी नमाज पढ़ने ईदगाह को, 1400 साल से जुमा पढ़ने हमारे घर की औरतें, इस सहाबा की औरतें, अहले बैत की औरतें, औलिया की औरतें, गौसो खाजा के घर की औरतों ने कभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों को नहीं गए, ना जुमा पढ़ने गए, ना ईद पढ़ने गए, ना कुसुफ पढ़ने गए, ना खुसुफ पढ़ने गए, ना नफिल पढ़ने गए, ना फरज पढ़ने गए, ना वाजिब को गए, ना सुन्नत को गए। बोला तू लेके निकला तो कहीं नया दिन तो नहीं निकाल लिया, बोले नहीं मौला ना हदीस में है अम्मा। बोला 1400 साल से हदीस हमा को नहीं मिली, तेरे को कैसे मिली। औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इस चीज हैविंग पीरियड, ये टेका भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, अगर हैस में फिर भी जा सकते तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते, ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम ईद उल फितर और ईद उल अजहा में औरतों को बाहर निकालें, दोषीजा हाइजा और पर्दा नशी औरतों को बाहर निकालें, लेकिन हाइजा नमाज से दूर रहें, वो खैर बरकत और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। मैंने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी औरत के पास चादर नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कोई मुसलमान बहन उसको अपनी चादर का एक हिस्सा पहना दे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2056। अब्दुल्लाह बिन औन ने बयान किया उनसे मोहम्मद बिन सेरीन ने कि उम्मे अतिया रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमें हुक्म था कि हायजा औरतों, दोशीजाओं और पर्दे वालियों को ईदगाह ले जाएं। इब्ने औन ने कहा कि या हदीस में पर्दे वालियाँ दोशीजाएँ हैं, अलबत्ता हायजा औरतें मुसलमानों की जमात और दुआओं में शरीक हों और नमाज से अलग रहें। सही बुखारी हदीस नंबर 981। आसिम अहवल ने हफ्सा बिनते सेरीन से और उन्होंने हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, उन्होंने कहा हमें ईदेन में निकलने का हुक्म दिया जाता था, पर्दा नशीन और दोशीजा को भी। उन्होंने कहा हैज वाली औरतें भी निकलेंगी और लोगों के पीछे रहेंगी और लोगों के साथ तकबीर कहेंगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2055।